Hello dear, welcome to all of you. Today we are going to discuss standard 12th prose section 1.5. In this chapter we will learn about the new dress. This is very interesting story which is written by Virginia Woolf. She is well known pioneer of the stream of consciousness. This is very loveliest story which is she written in prose section. In this story we will show there are a girl, a lady who is just trying to wear something in a party, just look a different way. डियर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आइस ब्रेकर्स दिया गया है. इन सब के आंसर मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया हूं, और इन सब के आंसर आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सब के आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा. और इस कहानी में मैं हम सबसे पहले राइटर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. राइटर का क्या नाम है? वर्जीनिया वूल्फ, जिनका टाइमिंग है 1882 टू 1941 लंदन. प्लेस कहाँ है? लंदन. वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट. वर्जीनिया वूल्फ इज ऑलरेडी वेल नोन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड Essayist. Virginia Woolf जो है उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जानी जाती हैं. She is considered a modernist writer of 20th century. She is already well known as a modernist writer in the 20th century and pioneer of the stream of consciousness. और इनको पॉइनियर में पॉइनियर की उपाधि मिली, जिसमें कि किस क्षेत्र में? स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस. कॉन्सियसनेस क्या होता है ये मैं आपको स्टोरी में समझाता हूँ. एज ए नैरेटिव डिवाइस एक नैरेटिव, एक विवरणात्मक कहानी के रूप में. द ग्लिम्स ऑफ अर्ली मॉडर्न फेमिनिज्म कैन इजली बी ट्रेस्ड इन हर राइटिंग. जो झलक देखी जाती है आधुनिक नारीवादिता का, वो पूर्ण रूपेण उनकी लेखन कला में नजर आता है. अर्थात वर्जीनिया वूल्फ में पूरी नारीवादिता की कहानी को कंप्लीटली अपनी स्टोरी में एक्सप्लेन की है. द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, Orlando and Mrs. Dalloway और हर रिमार्केबल नॉवेल्स. ये उनकी एक जानी मानी उपन्यास हैं ये सब. A Haunted House is her famous short story collection. A Haunted House जो है ये उनकी short story है. From which the present story, जिसमें से The Haunted House से ये कहानी ली गई है. कहाँ से? Haunted House, A Haunted House से. ओके, द न्यू ड्रेस इज अडॉप्टेड. ये जो कहानी जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं, द न्यू ड्रेस, वो कहानी कहाँ से ली गई है? अ हॉन्टेड हाउस से ली गई है. प्रस्तुत कहानी में वर्जीनिया वूल्फ हमको क्या बताना चाह रही हैं? आइए थोड़ा सा एक संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं कहानी के ऊपर. द प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट मैबेल वैरिंग. प्रस्तुत कहानी जो है वो मैबेल वैरिंग के ऊपर है. हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर न्यू येलो ड्रेस, जो कि अपने नए पीले ड्रेस के बारे में सोचती हैं. इन निगेटिव टर्म्स, नकारात्मक रूपों में. मिसेज डेलोवे, मैबेल वैरिंग जो है इस कहानी की मेन लीड हीरोइन है, जो कि किसी पार्टी में गई हुई हैं या जाने के लिए तैयार हैं, और पीले कलर का ड्रेस पहनी हुई हैं, और उस ड्रेस के बारे में उनकी नेगेटिव थॉट्स
आ रही है. She herself has chosen the design. और पार्टी में जाने के लिए मिसेस मैबल वेरिंग खुद यह ड्रेस चुनती हैं, डिज़ाइन करती हैं, और वो सोचती हैं कि जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो पार्टी में मैं सबसे अधिक सुंदर लगूंगी. कलर एंड पैटर्न ऑफ द ड्रेस, कलर और पैटर्न जो है वो ड्रेस का, विच सी हैज डिसाइडेड, जिसको कि उन्होंने चुना था वियर पार्टी, पार्टी में पहनने के लिए एट मिसेस डेलोवे. किसकी पार्टी में पहनने के लिए? मिसेस डेलोवे के पार्टी में पहनने के लिए उन्होंने इस ड्रेस को चुना. However, अदब क्या होता है? At that party, she keeps thinking that the dress is old fashioned. पार्टी में जाने से पहले वो जब ड्रेस को डिजाइन की थी तो उन्होंने उस ड्रेस के बारे में सोचा कि मैं न्यू फैशन के ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं ओल्ड फैशन के ड्रेस पहनूंगी जिससे कि मेरी रियलिटी बनी रहे. And everyone in the party is mocking at her dress. और वो ये केवल फील कर रही हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि पार्टी में आए हुए जितने भी लोग हैं वो सब उनके ड्रेस को देख करके उनके ऊपर मॉकिंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. She thinks that, वो ये सोचती है कि सी इज ए फ्लाई, वो एक मक्खी की भांति है. क्या सोचती है? कि वह एक मक्खी की भांति है एट द एज ऑफ ससर, जैसे कि वो प्लेट के किनारे पर हो. मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं, उसके बाद ये लाइन बताता हूं कि प्रस्तुत कहानी में मिसेस मैबल वेरिंग खुद अपने ड्रेस के बारे में सोच रही हैं, जो कि उन्होंने येलो कलर का पहना है, और वो ड्रेस खुद डिजाइन की थी. वो इसलिए डिजाइन की कि मैं न्यू ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं अपनी वास्तविकता को छिपाना नहीं चाहती हूँ, मैं रियल रहना चाहती हूँ, मैं आर्टिफिशियल नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं पुराने तौर तरीके के कपड़े को पहनूंगी. और पहन के पार्टी में जब वो आती हैं तो खुद वो सोचती हैं कि मैं जो पार्टी में ड्रेस पहन के आई हूँ मिसेस डेलोवे के, वास्तव में वो ड्रेस बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, और हमको लग रहा है कि पार्टी में आए हुए सारे के सारे लोग मुझे देख करके मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ड्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं. वास्तव में ये ड्रेस मेरे ऊपर जरा सा भी, तनिक सा भी अच्छा नहीं लग रहा है. और यहां तक वो सोचती हैं, क्या सोचती हैं, जो कि लाइन मुझे बताना बाकी है, वो ये सोचती हैं कि मैं ठीक इस पार्टी में एक मक्खी की तरह हूं. और कैसी मक्खी का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ढेर सारी मक्खियां पानी में या चाय के प्लेट में, तस्तरी में गिर जाती है और वो उसमें डूबती हैं और उसमें से निकलने का प्रयास करती हैं, कुछ उसमें से किनारे से निकल करके बच जाती हैं, बाकी उसमें डूब जाती हैं. तो जस्ट यहाँ पे ढेर सारी मक्खियाँ आई हुई हैं और उन सभी मक्खियों में मैं अपने को फ्लाई मक्खी मान रही हूँ कि जो कि प्लेट में, हाँ, चाय की प्लेट में डूब गई है और खुद को बचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. ड्रॉइंग ड्रीप एंड डीप, जो कि गहराई में डूबती चली जा रही है. एज सी कम सीरियसली अंडर द स्पेल ऑफ हर ओन निगेटिव, और फाइनली गंभीरतम रूप में वह अपने नकारात्मक विचारों में खो जाती है, अर्थात उसके माइंड में, मैबल वेरिंग के माइंड में पूर्ण रूपेण अपने प्रति, अपने ड्रेस के प्रति नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, नकारात्मक विचार से वो परिपूर्ण हो जाती है. एंड इन डिस्पर्सन लीव्स द पार्टी, और वह पार्टी को छोड़ करके चली जाती हैं. टू सो मैबल सप्रेस्ड, मैबल को परेशान देख करके, डिजायर्स, वो मैबल परेशान थी और वो डिजायर, इच्छा व्यक्त करती है, अनफुलफिल्ड एम्बिशंस, अपनी अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के बारे में, एंड मियर्स फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हर चाइल्डहुड, और वो याद करती हैं जब वो बचपन में अपने फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही थी, मतलब उस समय भी वो गरीबी से जूझ रही थी और आज भी वो गरीबी से जूझ रही. वर्जीनिया वुल्फ हैज इंप्लॉयड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ ने
इस प्रस्तुत कहानी में पूर्ण रूपेण स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को भर के रख दिया है वेरी इफेक्टिवली, जो कि बहुत ही प्रभावकारी है। डियर, मैं आपको बोला था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस पूरी स्टोरी में भरा हुआ है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का मेन अभिप्राय है कि वक्ता जो होता है, इस कहानी का जो कैरेक्टर होता है, वह स्पेशली अपने बारे में नकारात्मक सोच बनाता है। सामने वाला पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव यह रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कहानी में, जबकि वर्जीनिया वुल्फ ने परफेक्टली मैबेल वेरिंग के बारे में बताया कि मैबेल वेरिंग एक ऐसी करेक्टर है उनकी स्टोरी की, जो कि वास्तव में अपने बारे में, अपने ड्रेस के बारे में निगेटिव थाट्स बयां कर रही है। जैसा कि लोगों को कहा गया है कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बट इन दिस स्टोरी देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैबेल वेरिंग जो है वो पार्टी में हमेशा अपने ड्रेस को लेकर के नेगेटिव पॉइंट को सोच रही हैं। अब चलिए देखते हैं कहानी में, स्टोरी में क्या बताया जाता है। अगली इस कहानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करूंगा, और सबसे पहले यह जरूरी है कि आप राइटर के बारे में कंप्लीटली जान जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, द न्यू ड्रेस स्टोरी के कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।